शीरखुरमा। शीरखुरमा बनाने की विधि। चूल्हे पर दूध रखें गर्म कर गाढ़ा करने के लिए। जब यह थोड़ा गाढ़ा हो जाए इसमें चीनी डालें। अब एक पैन में घी डालकर ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, चिरौंजी भूनते हुए इन्हें, खजूर के टुकड़े भी डालकर, अब किशमिश, बादाम, पिस्ता भी डालकर धीमी आंच पर इसे भूनें। अब इन्हें एक प्लेट में निकालकर इसी पैन में सेवई डालकर भी हल्का भून लें। और जब इनका रंग ऐसे सुनहरा हो जाए इसमें दूध डालकर भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी डालकर कुछ देर इसे पकाकर इसमें इलायची पाउडर डालें और फिर इसे मिलाकर चूल्हे पर से उतार लें। बस इस तरह एक कटोरे में निकालकर अपने घर वालों का मुंह मीठा कराएं इस शीरखुरमा के साथ।